नमस्कार दोस्तों, सीएस सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकर के करंट अफेयर्स 20 अक्टूबर 2022 का लेकर के आए हैं। सबसे पहले आप लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज 2022 का जो 2 अक्टूबर है, इस दिन को गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और बर्थ एनिवर्सरी भी होती है लाल बहादुर शास्त्री की। हालांकि गांधी की छत्र छाया इतना बड़ा है, कद इतना बड़ा था, हालांकि लाल बहादुर शास्त्री का भी छोटा नहीं था, लेकिन गांधी की इस जयंती की वजह से उतना मुझे लगता है कि जो कि इन्फ्लुएंस इस तरह के लोगों में जागरूकता नहीं पाती कि आज 20 अक्टूबर को शास्त्री जी का भी बर्थ एनिवर्सरी होती है। गांधी जी और शास्त्री जी पे मैं एक अलग वीडियोज बनाऊंगा और लोगों की बायोग्राफी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। आ जाते हैं 2 अक्टूबर का जो करंट अफेयर था, उसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक हैं। 7 या 8 टॉपिक जो कि आज इम्पोर्टेंट है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट और न्यूज फ्रंट पेज पे रहा है जो 5G। 1 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिल्ली में जो मोबाइल इंडिया कांग्रेस 6 इंडियन मोबाइल कांग्रेस का जो है कि इनॉग्रेशन हुआ, उसमें 5G को लॉन्च किया। 4G 5G 6G 6G पे रिसर्च चल रहा है अभी, और इंडिया में भी जो है कि 5G कल से चालू हुआ। वो जो बहुत मेगा सिटीज हैं जैसे मुंबई दिल्ली, यहाँ पे पहले शुरू किया जाएगा, और उसके बाद हर कंपनी अपनी अपनी ये टारगेट रखी है कि कब कैसे कहाँ कहाँ चलाएंगे। इससे पहले कि हम ज़्यादा इसमें डिस्कस ना करें, बता दें कि हम आज जो टू द पॉइंट में वीडियो बनाएंगे, उसमें 1G से लेके 5G तक की फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जी का मतलब होता है, कहते हैं 5G 4G 3G, जी का मतलब होता है जनरेशन, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, राइट। दूसरी चीज़ हम आते हैं यहाँ पे 5G। दूसरी चीज़ है कॉलिंग फॉर अ रिटर्न टॉक। अभी हुआ ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ऐसा प्रपोजल आया था कि जो रशिया पे के इन्वेजन जो यूक्रेन में है अग्रेसिव, उसको लेकर के वीटो कर रहे हैं, और उसमें इंडिया जो कि अब्सेंट हो रहा, ऐसा हालांकि इससे पहले भी जो हुआ था उसमें भी अब्सेंट रहा, उसका अपना कंसर्न है इंडिया का, और ऐसा नहीं किसी का कठपुतली बन करके काम करे, और इंडिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करे, क्योंकि इंडिया इसमें लार्जेस्ट यंग कंट्री है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, पेट्रोलियम क्रूड वगैरह, तो वो इंडिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। डिफेंस के बारे में काफ़ी भी इंडिया और रशिया के टाई है, इस वजह से इंडिया अपने इंटरेस्ट को देखते हुए डिसीजन दे रहा। नेक्स्ट हमारा है जो कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल, आपको पता है कि अक्टूबर का मंथ चल रहा है जो कि फेस्टिवल मंथ है, और 24 को शायद 20 साल की दिवाली है। दिवाली पे इतना हाई पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली में कि सांस भी लेना दुभर हो जाता है। उसके पीछे एक जियोग्राफिकल रीजन भी है, वो नेचुरल वजह से भी होता है और मैन की वजह से। मैन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है दिल्ली के पोल्यूशन के लिए, सबसे बड़ा है दीपावली पे जो क्रैकर पटाखे फोड़े जाते हैं वो। दूसरा होता है कि जो पेड़ी की खेती होती है वेस्टर्न यूपी हरियाणा पंजाब में, उसकी जो वेस्ट होता है पैडी का, उसको जला देते हैं किसान, और अगली रावी क्रॉप के जल्दी शॉन करने बुआई जुताई करने के लिए, इस वजह से जो है कि उसका भी पोल्यूशन होता है, तो इस वजह से हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ग्रैब मेजर ऑफ द फोर्स। ये ग्रैब करके एक है GRAP, ये एक प्रोग्राम है, ये सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव चलाया गया कि कंट्रोल करेगा कि क्या कंडीशन है पोल्यूशन लेवल इन दिल्ली और दिल्ली की जो NCR रीजन पड़ता है। दूसरी चीज़ें है कि यहाँ पे 3 इंडेक्स आते हैं, यहाँ सफ़र एयर क्वालिटी इंडेक्स और GRAP करके। हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये रहा। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट मिड डे मील में जो प्राइज इन्वेस्ट होती थी पर चाइल्ड को, अब वो इंक्रीज कर दिया है 9.6। अगर मान लीजिए पहले 10 रुपये होती तो उसका 9% मतलब 1% 11 रुपये खर्च करेगी अप्रॉक्सीमेटली।
तो हम मिड डे मील के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि मिड डे मील काफ़ी बेनिफिशियल रही है, ओल्ड स्कीम अभी तक चल रही है, इसका सिग्निफिकेंस है, इसलिए वजह से जो कि आज तक ये काम कर रही है। नेक्स्ट हमारा हमारा आता है इंदौर, जो कि ये पिछले 6 साल से इंडिया के टॉप क्लीनेस्ट सिटी का रैंक मेंटेन करके रखी है। हमें पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और उसी दिन स्वच्छता अभियान का होता है, क्योंकि गांधी जी क्लीननेस का काफ़ी जोरदार समर्थक करते थे, कहते थे सारी बीमारी गरीबी का वजह ही सफाई है, सफाई करने से बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इंदौर उनमें अब 6 साल से लगातार टॉप करते आ रहा है और दूसरे स्थान पे सूरत रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड कब कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। दूसरी चीज़ आते हैं टोकनाइजेशन ऑफ द कार्ड ट्रांजेक्शन। RBI एक इनिशिएटिव ली है जो 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट में आ गया है, वो है कि जो हम ATM कार्ड यूज करते हैं उसकी जगह वो एक टोकनाइज सिस्टम, मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन की वजह से का एक टोकन होगा, वो ट्रांजेक्शन होगा, उससे कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो सिक्योर रहेगी। आते हैं हम फिर से देखते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, 2 पॉइंट में क्या क्या डिस्कस। पहला 5G लॉन्च हुआ है, हम 1G से लेकर 5G तक का 2 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। दूसरा हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे ENS सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे एयर क्वालिटी, एयर वर्सन एयर क्वालिटी जो यहाँ पे है 3, इसका करेंगे तीसरा। चौथा हम मिड डे मील के बारे में डिस्कस करेंगे और पांचवा जो होगा हमारा क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड के बारे में, और जो छठा हमारा पॉइंट है टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड, RBI टेक टुक द इनिशिएटिव तो इम्प्लीमेंट में आया। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हो सकता है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 5G लॉन्च हुआ इंडिया में कौन से डेट को, क्योंकि छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, जैसे GST के बारे में पूछा हुआ था कि GST कौन सी डेट से लागू हुआ है, सभी को पता है 1 जुलाई से जो कि इम्प्लीमेंट में आया था,